प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप। सब्सक्राइब कीजिए वुडवर्क जेट के यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जहीर और आप देख रहे हैं वुडवर्क जेट के यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं स्लाइडिंग अलमारी है, इसके जो हाइट है 10 फीट है, उसकी जो चौड़ाई है 12 फीट है। तो आप देख सकते हैं इसमें 4 डोर लगा रखे हैं स्लाइडिंग के नीचे और 4 ही ऊपर। तो इस तरीके से ये जैसा खाने बना रखे हमने, ऊपर कोट टांगने वाला, नीचे भी हमने इसी तरीके से रोड लगा रखी है, या बड़े सामान रख सकते हैं आप कोट टांगने के लिए। तो दोस्तों, ये अंदर वाइट सनमाइका है, आप वाइट सनमाइका लगा सकते हैं इसमें के सही रहता है वाइट सनमाइका। ये डोर है, इसमें वाइट सनमाइका में ये फ़ायदा है आपको कि आपको सफाई भी दिखेगी इसमें, अच्छा भी लगेगा देखने में और अंधेरा भी नहीं लगेगा आपको अंदर से। जैसे अंदर का डोर खोलते या अपना कबर्ड खोलते हो तो उसमें अंधेरा अंधेरा नहीं दिखेगा, आप कोई भी सनमाइका लगा सकते हैं आप इसमें अंदर। वैसे वाइट बहुत बढ़िया चलता है अंदर, अच्छा भी लगता है। तो ये खाने बना रखे हैं इसमें, और इसमें ये बीच में पिलर है, पिलर को ढकने के लिए हमने साइड में दराज बनाई है और उसमें सेल्फ लगा दिए। इसमें लॉकर भी बना रखा हमने इसके पीछे, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये डोर बना दिया, आगे पीछे लॉकर बना दिया, हमारी जगह भी कवर हो गई और लॉकर भी बन गया। तो इसे लॉकर को मत खोल कर दिखाओ, क्योंकि लॉकर हम खोल कर नहीं दिखाते हैं, मैंने बता दिया आपको इसमें। और ये जो है आपके 4 जो डोर देख रहे हैं, ये इस तरीके से साइड में डोर ले लिए, ये बीच में अगर आप लेते हैं ये अपने कोट टांगने के लिए, नीचे वैसा सूट वोट टांगने के लिए। तो 4 डोर आपने साइड में लेनी है आपको, साइड में इसलिए लेनी है जैसे आप बीच में रखते हो तो बीच में आपको जगह ज़्यादा देनी पड़ती है तो जगह वेस्ट हो जाती है, साइड में आपकी जगह भी यूज़ होगी और जगह आपकी जो बचेगी वो फालतू की वो अपनी यूज़ हो जाएगी, उसमें सामान आ जाएगा। अगर आप बीच में लेते हो ड्रोर तो बीच में दिक्कत आती है, स्लाइडिंग अपनी अलमारी अड़ती रहती है, डोर से उसके अड़ते रहते हैं, उसमें आपको जगह एक्स्ट्रा लेकर चलनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको साइड में लेने में फ़ायदा है ड्रोर, लेफ्ट ले सकते हो या राइट साइड में ले सकते हो, किसी भी साइड में ले सकते हो स्लाइडिंग अलमारी में। बाकी डोर्स वाली अलमारी में तो आप कहीं पे भी ले सकते हैं जहाँ पे उसमें जगह है, मगर स्लाइडिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये साइड में लेनी। तो आप इस तरीके से ले सकते हैं, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ये अपने साइड में अपने हमने कहीं खाने बना रखे हैं जैसे छोटे कपड़े रखने के लिए, तो इस तरीके से ऊपर हमें हैंगर की, इसमें क्योंकि हैंगर कोट के लिए ज़्यादा जगह चाहिए टांगने के लिए, तो इसलिए ये बीच में भी हमने सेल्फ लगा दिया इसमें छोटे कपड़े रखने के लिए। आप देख सकते हैं इसमें पिलर ज़्यादा है इस घर के अंदर, पिलर बहुत है, कोने में पिलर आ गया था इसमें। तो अब हम ऊपर के डोर से दिखाते हैं आपको, ऊपर भी हमने स्लाइडिंग लगा रखी है। तो ये देख सकते हैं आप ऊपर से खाली, यानी कि जो अपना बड़ा सामान होता है हमारा, जैसे सूटकेस हो गया है, बड़े रजाज बजाई हो गई, जैसे हमारा 6 महीने में यूज़ करने वाला हो गया 2 महीने बाद, तो उस तरीके से आप ऊपर खाने बड़े छोड़ सकते हैं, तो उसमें अपना सामान रख सकते हैं इस तरीके से। तो इसमें हमारा बहुत सामान आ जाता है, या देख सकते हैं आप पिलर है इसमें, कोने में पिलर आ गया था, इस वजह से हमें ऐसा करना पड़ा था। इस साइड हम दराज ले रहे थे, हमने इस साइड इसलिए नहीं ली क्योंकि पिलर आ गया था इसमें। तो मैं इसमें भी दिखाऊंगा आपको, ये जो हमने लॉकर बनाया था किस लिए बनाया था, ऊपर का भी दिखाते हैं। ये ड्रॉर है नीचे की, इसमें सूझ बूझ या अपने कुछ भी रख सकते हैं, नए जो चप्पल होती हैं वो भी रख सकते हैं आप, सैंडल वेंडर। तो इसलिए नीचे जो अपनी जगह एक्स्ट्रा होती है तो उसमें लेके चलते हैं, नीचे बना देते हैं तो हमारा साइज भी प्रॉपर निकल जाता है अलमारी का। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये हमें बहुत ज़रूरी होती है नीचे की ड्रॉर, बहुत यानी कि हमारा काम बहुत इसमें ईजी हो जाता है, इसको बनाने से बहुत फ़ायदा हो जाता हमें, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप नीचे तक नहीं बनाते, अगर इसमें डोर्स नहीं बनाते नीचे, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि डोर का सामान बहुत होता है काफ़ी, क्योंकि बार बार आप जो अपनी अलमारी के स्लाइडिंग हो गया डोर्स हो गए, बार बार उनको नहीं खोल सकते, आप ड्रोर खोल कर उसमें निकाल सकते हैं जो आपका डेली यूज़ का सामान है। तो इसलिए आपको नीचे ड्रोर बनाना बहुत अच्छा है, इसमें आपका फ़ायदा भी लगा। ये देख सकते हैं आप, इसमें पिलर था तो इस वजह से वो जगह यानी कि यूज़ कवर करने के लिए हमने ये पिलर को ढका था, उसमें इस तरीके से बनाया था, यानी कि पिलर था इसमें। तो इसमें आपको मैं दिखाऊंगा पिलर, इसमें काफ़ी हैं आप देख सकते हैं, ये पूरी कंप्लीट अलमारी। तो मैं आपको अब बेड का डिज़ाइन दिखाऊंगा, बेड पे भी एसी का मैचिंग की माइक लगी हुई, ये देख सकते हैं आप। तो इसका जो बेड का साइज़ है, इसका साइज़ है 5 फुट इसकी यानी कि चौड़ाई है, और इसकी जो लेंथ है यानी कि लंबाई वो 6 फुट है।
सवा 6 फीट आपको इसलिए रखनी होती है कि उसमें ये फ़ायदा रहता है, जैसा कि हम जैसे हमारा साइज 6 फुट है लंबाई में, तो 6.25 फुट रख सकते हैं आप। 6.25 फुट के हमारे गद्दे भी मिल जाते हैं रेडीमेड, हम लेते हैं तो बाहर से, तो उस साइज़ का गद्दा भी मिल जाता है। अगर आप 6 फुट रखते हैं तो 6 फुट में लंबाई कम पड़ जाती है बेड की, 6.25 फुट रखनी ज़रूरी होती है। तो इस तरीके से आप रख सकते हैं, चौड़ाई अपने हिसाब से देख सकते हैं आप, यानी कि 60 इंची का भी गद्दा आता है चौड़ाई में, 33 इंची के आते हैं गद्दे, तो 2 गद्दे आपने लग सकते हैं। तो 5 फीट आप रख सकते हैं अगर आपके 6 फुट जगह यानी कि नहीं है रूम के अंदर बेड बनाने के लिए, जगह कम पड़ रही तो आप 5 फीट का बेड ही बना सकते हैं। तो ये हमने अंदर भी लैमिनेट लगा रखी है इसमें बाइटी, ये जो देख रहे हैं आप इसमें जो हमारे बीच सेंटर सपोर्ट है इसमें इसलिए नहीं लगाई हमने लैमिनेट, वो हाथों में ज़्यादा लगती है, बेड में ज़्यादातर दिक्कत आती है क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बड़े शरारती होते हैं घर में, तो उन्हें ज़्यादा आप कुछ बोल भी नहीं सकते तो उनके हाथ में लगने का चांस रहता है, तो बड़े तो थोड़ा देख के करते हैं काम, तो बच्चों पर आप 24 घंटे तो ध्यान रख नहीं सकते, वो बच्चे इधर उधर खेलते रहते हैं तो उन पर लगने का चांस रहता है माइका का, तो इसलिए अंदर साइड जो ज़्यादा किनारी बन जाती है तो सही नहीं रहता वो, तो इसलिए माइका जो बाहर की साइड होती है वो मोटी होती है, तो उस पर आप उसको रफ कर सकते हैं उस पर, यानी किनारी को ख़त्म कर सकते हैं, अंदर की माइका जो होती है पतली होती है उस पर माइका की आप किनारी ख़त्म नहीं कर सकते, बड़ी दिक्कत हो जाती है उसमें, फिर उसको ब्लैकपन आ जाता है निकल के अगर उसको ज़्यादा घिस होता है। ये बाहर की जो होती है 1 mm की माइका होती है तो उस पर आप कर सकते हो आराम से, यानी कि उसको प्लान कर सकते हो, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती, अंदर वाली में ज़्यादा दिक्कत आती है। तो यह आप देख सकते हैं LED पैनल है गोलाई में, ये गोलाई में LED पैनल है, जो उसके साइड में 3 सैप लग रहे हैं जो लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर हमारा जो जगह बस रही है वाइट जगह उसमें ऊपर गिलास लग रहा है, यानी कि ड्रेसिंग मेज के साथ में ही है, और हमारा LED पैनल भी, यानी कि LED पैनल की जगह हमारी बाहर है 4 इंची, तो 4 इंची अंदर रहेगा हमारा गिलास, तो 2-3 इंची यानी कि 4-5 इंची तो LED हमारे बाहर भी रहता है, तो उस हिसाब से 8 इंची अंदर चला जाएगा गिलास, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। LED पैनल पर इस तरीके से आप बना सकते हैं, अगर ड्रेसिंग आपको बनानी है तो आपकी जगह भी कवर हो जाएगी इसमें, और आपके यानी कि जैसे अपने ड्रेसिंग बनाते हैं उसके लिए एक्स्ट्रा जगह लेनी भी पड़ेगी आपको, इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये इसमें 6 ड्रॉर है, बीच का हम इसमें जो डोर से वो हम खोल कर नहीं दिखा सकते ताकि इसमें अभी हैंडल नहीं लगा, कब्जे नहीं लगे, ये ऊपर का डोर है। इस तरीके से आप ये जो राइट साइड में से सेल्फ है इस पर आप सेटर बॉक्स या कुछ भी रख सकते हैं आप। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड।